हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आप सबने वो कहावत तो सुनी होगी, मैं चलता गया और कारवा बनता गया। मेरे इस कारवे में साथी हैं आप सब लोग, जो मुझे बहुत प्यार देते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं। और मेरे साथ दोस्तों जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, ताकि आपका सफ़र मेरे साथ चलता रहे और आपको मेरी हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, मैं हूं निशान दत्त और जुड़े रहिए मेरे साथ ब्रेक टाइम राइडर में। ब्रेक टाइम राइडर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं आपको दुनिया भर के बारे में जानकारी दूंगा, वहां लेकर चलूंगा और वहां के लोगों के साथ आपको रूबरू कराऊँगा और आपको ये पता लगेगा कि आपको जहाँ भी जाना है तो आप किस रूट से जाइए, कहाँ रुकिए, क्या खाइए और भी कहीं सहूलियत की जगह आपको मैं बताऊँगा। आज का मेरा सफ़र है पोखरा के लिए, जो कि 542 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने अपना सफ़र शुरू किया सुबह और देखते हैं कब मैं अपनी लोकेशन पर पहुँचूँगा। बीच बीच में जो भी लोकेशन अच्छी आएगी वहाँ पे मैं रुकूँगा, वहाँ के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों, चलते चलते तो जैसे ही मैंने नेपाल की हिल्स पर एंटर किया, मेरा सफ़र और रोमांच भरा होता गया और मेरा उत्साह बढ़ता गया, क्योंकि एक नए देश में आना घूमना बहुत अच्छा लगता है। आप सभी मन में सोचते हैं कि आप कब किसी देश में जाएंगे और वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, उसी चीज़ की जानकारी मैं आपको दूंगा। नेपाल की काफ़ी जगहों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, चलते रहिए मेरे साथ एक अच्छे दोस्त की तरह। जैसे ही मैंने नेपाल के हिल्स पर एंटर किया, यहाँ के हिल्स, हरी भरी हिल्स, रोमांचक सड़क से जाते हुए चारों तरफ हरियाली, आसपास छोटे छोटे खूबसूरत से गांव, जो देखने में आप सबके मन को भाएंगे और आप भी यहां आना पसंद करेंगे। तो अब मैं देखूंगा कि मेरे पास सामने सबसे पहली लोकेशन ऐसी कौन सी आएगी जहां पर मैं रुकूं और आपको वहां की मैं जानकारी दूं। चलते रहिए दोस्तों मेरे साथ, बढ़ते रहिए मेरे साथ। दूर से देखने पे मेरे को एक ऐसी लोकेशन नजर आई जो काफी ओल्ड एज मिट्टी का बना हुआ घर, ऊपर घास की बनी हुई छत है और मेरा मन कर रहा है यहां रुकूं और यहां के बारे में जानूं और यहां पर क्या अच्छा मिलता है वो टेस्ट करूं। तो अब मैं यहां रुकने वाला हूं और आप भी मेरे साथ रुक रहे हैं, तो चलिए दोस्तों रुकते हैं और यहां के बारे में जानते हैं। तो अभी मैं पहुंचा हूं चोरखोला, ये एक जगह है पहाड़ों के बीच में और यहां पे एक नेपाली में बिल्कुल आप देख रहे हैं देसी ट्रेंड में बना हुआ रेस्टोरेंट। तो यहाँ की मैं लेमन टी टेस्ट करूँगा, काफ़ी अच्छी लेमन टी कहते हैं यहाँ की है। ये देखिए यहाँ की किचन दिखाता हूँ आपको, ये काम हो रहा नेपाल में मैं हूँ चोरखोला और यहाँ से मैं पी रहा हूँ लेमन टी। ये देखो दीदी ने लेमन डाला अच्छी तरह, ये और डल गया, आपको वीडियो में दिखाऊंगा इसकी रेसिपी क्या है दीदी से पूछ के। तो
सुबह मैंने अपना लगभग 9 बजे सफ़र तय किया था शुरू करना, और अभी मैं 70 से 80 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। यहाँ मैं देख रहा था कि आपको नेपाल का कुछ ट्रेडिशनल में कुछ मैं आपको दिखा पाऊँ, तो आगे भी चलते हैं। मैं सिर्फ ट्रेडिशनल को ही शूट करूँगा, ट्रेडिशनल फूड, यहाँ के ट्रेडिशनल ट्रेंड के बारे में आपको दिखाऊँगा। यहाँ मेरे को काफ़ी यूनिक जगह दिखी, एक हेरिटेज टाइप, और वहाँ पे मैं इंजॉय कर रहा हूँ नेपाल की लेमन टी। तो चलिए दोस्तों, हम अब यहाँ के बाद आगे का सफ़र शुरू करेंगे और आपको आगे के बारे में भी अपडेट करते रहेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। 10 रुपया नेपाली में कितना? 15। हाँ नेपाली बोलो, नेपाली लेके घूम रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, नेपाली 15। नेपाली 15। नेपाली पैसे लेके घूम रहे हो? ये देखो नेपाली का 10 रुपए और 5 रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, 15 रुपए। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। तो चलिए दोस्तों, आगे का सफ़र शुरू करते हैं।